कहा जा रहा है कि मैडम सीतारमण जी ने ये 11वीं बार ऐतिहासिक बजट पेश किया है। एक इतिहास तो यह है, दूसरा इतिहास ये है कि देश के किसान मजदूर को भी 11वीं बार इग्नोर करने का इतिहास है मोदी सरकार का। इस बार बजट में 1.52 लाख करोड़ की रकम रखी गई है, ये कुल बजट का 3% भी नहीं बनता है। हमारी आबादी 70% है। किसान खेत मजदूर को कर्ज माफी के लिए कुछ भी इसमें नहीं है। इसी के साथ साथ मजदूरों को रोजगार देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, और खेती को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया जो इस बजट में हम लोग मुंडली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अज देश का बजट 2024-25 पेश हो चुके हैं, तो इस दौरान खेतीबाड़ी के नाल लगते सैक्टर कुल मिला के 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट दिता गया। पर अजिहे दे विच जिथे किसान खुश होंगे तो किसान खुश नहीं होए, क्योंकि सरकार किसानों को खुश नहीं कर पाई। ये बजट पिछली बार 1.25 लाख करोड़ का सी, इस बार महज 27,000 करोड़ रुपए ने जिहड़े वो वधाए गए ने। पर इस दौरान सब तो वड्डी गल ये है कि कहा जा रहा है कि बजट का महज 3% हिस्सा जिहड़ा वो खेतीबाड़ी सैक्टर नूं दिता गया, जिस तों ना तो किसानी लीडर खुश ने ते ना ही किसान खुश ने। सरवन सिंह पंधेर हुणा दे वल्लों इस बाबत एक बयान है जिहड़ा दिता गया। पंधेर हुणा दा कहना है कि फरवरी तो लैके हुण तक वो लगातार बैठे हुए ने शंभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर ते, अजिहे च उम्मीद करते सन कि सरकार शायद कोई अजिहा फैसला लवे कि वह अपना धरना जिहड़ा चुक लैन। यानी कि उन्होंने सदा मतलब यह सी कि शायद MSP की गरंटी है जी सरकार दे देवे ते कर्जा माफ़ी का ऐलान कर देवे, पर अजिहा कोई भी फैसला इस बजट दे विच नहीं किया गया। जिस तों बाद सरवण पंधेर हुणा दा एक तिखा रुख है जिहड़ा वह सरकार के खिलाफ वेखण नूं मिलिया। सो की कहना उन्हां दा, आओ सुणदे हां। मैं सरवण सिंह पंधेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से। कहा जा रहा है कि मैडम सीतारमण जी ने ये 11वीं बार ऐतिहासिक बजट पेश किया है। एक इतिहास तो यह है, दूसरा इतिहास ये है कि देश के किसान मजदूर को भी 11वीं बार इग्नोर करने का इतिहास है मोदी सरकार का। इस बार बजट में 1.52 लाख करोड़ की रकम रखी गई है, ये कुल बजट का 3% भी नहीं बनता है। हमारी आबादी 70% है देश के किसान और खेत मजदूर की, और उस बजट में रख के बोल रहे हैं एनवायरमेंट के अनुसार बीजों की खोज भी होगी, ग्रामीण विकास भी होगा, और कुदरती खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी इसी में से करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर खेती सेक्टर जो इतना बड़ा था उसको इग्नोर किया गया। इस बजट में ना तो MSP गारंटी कानून बनाने के लिए कुछ बजट में है, किसान खेत मजदूर को कर्ज माफी के लिए कुछ भी इसमें नहीं है। इसी के साथ साथ मजदूरों को रोजगार देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, और खेती को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया जो इस बजट में हम लोग मुंडली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये नकारात्मक बजट है, दिशाहीन बजट है, इसमें कोई भी खेती सेक्टर के लिए विजन नहीं है, और खेती सेक्टर के विकास के लिए कोई योजना भी अब नहीं बची है। जो युवाओं के रोजगार की बात हमने सुनी है, तो भाई प्राइवेट कॉरपोरेट के कौन सा रोजगार युवाओं को देगा, सरकारी तो कुछ आप देने वाले नहीं है। तो इसलिए ये बजट आज का निराशा वाला बजट हम समझते हैं। धन्यवाद। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, हुक्मरानां नूं होणगे सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, हर मसले ते रहेगी तिखी नजर, दसांगे कौन कर रहा है किहदे ते जबर, विदेशां दे विच बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा अमेरिका दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके हर मुद्दे ते होणगे
रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बनांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे गायकां ते अदाकारां नाल करवावांगे मुलाकात ते कलाकारां दी जिंदगी ते मारांगे झात अब धर्म धरोहर संस्कृति और सेहत की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल।